अस्सलाम वालेकुम बेटा, इंटर क्लास क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि चार्ज क्या चीज़ है, कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या एनायन पॉजिटिव चार्ज होता है या कैटाइन नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज किसको कहते हैं हम। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, वो एक्शन एट अ डिस्टेंस को रिस्पॉन्ड करती है, वो नेवर एंडिंग है, नेवर ज़ीरो है, डाइवर्जेंट है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इन दो चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस, चाहे सेम पोलैरिटी के हों या डिफरेंट पोलैरिटी के हों, वो एक दूसरे पे कैसे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, विच इज़ बेसिकली के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने देखा कि भाई इस चार्ज की जो फील्ड है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका, फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और वो बताती है कि चार्ज कितनी फोर्स किस डिस्टेंस पे किस पार्टिकल के ऊपर एग्जर्ट कर सकता है ना। तो फिर हमने देखा कि भाई फील्ड को फोर्स से कैलकुलेट करने का एक मेथड है, विच इज़ फोर्स पर टेस्ट चार्ज। तो हमें जो फील्ड मिलती है वो मिलती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड द फील्ड। अगर मैं Q1 और Q2 सेम चार्ज ले लूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और ये फार्मूला बन रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फील्ड का फार्मूला है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है। फिर हमने देखा कि भाई फील्ड निकालने का एक और मेथड है कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की फील्ड को किसी एरिया में से पास करा दें, इसको फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो फ्लक्स मालूम करने का फार्मूला है फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी फ्लक्स के ज़रिए, तो एक दफ़ा अगर फ्लक्स पता चल गया तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। इस तरह भी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं, ये सेकेंड मेथड है, राइट। ये सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड था गॉस ला, कि भाई जिस भी चीज़ के ऊपर चार्ज मौजूद है आप ऐसा करें कि उसका फ्लक्स मालूम करने के लिए चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें और उस चार्ज को किसी गॉशियन सरफेस के अंदर क्या कर दें, रैप कर दें, तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फिर गॉस ला को अप्लाई करके मालूम की चार्ज स्फीयर की और इन्फिनिट शीट की और शीट बिटवीन द टू, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, है ना, यही किया था ना लास्ट टाइम तक। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं, कुछ चीज़ों को बेसिकली देखते हैं। क्या देखते हैं? बेसिक से देखते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कीप इन माइंड कि भाई एक बॉक्स है जिसका कोई मास है, आपने इस बॉक्स को पोजिशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचाना है, क्या करेंगे आप? पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचाना है, छूट दे देता हूं, कैसे भी पहुंचाएं आपकी मर्जी। तो अवेलेबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कि या तो हम इस बॉक्स को स्टेयर्स के जरिए लेके जाएं, राइट। दूसरा, हम कोई फटा लगाएं, प्लैंक, इंक्लाइन प्लेन बनाएं और रोल करते हुए बॉक्स को ले जाएं, यही हो सकता है। चलो ये पाथ वन हो गया, ये पाथ टू हो गया, चाहिए। अच्छा, पाथ थ्री क्या हो सकता है? भाई बॉक्स को उठा के फेंक दें, ऐसे फेंकें कि वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंच जाए। मकसद क्या है? बॉक्स को ए से बी तक पहुंचाना, चाहे हम कैसे भी पहुंचाएं। चौथा ऑप्शन क्या है?
भाई बॉक्स को यहाँ तक घसीटते हैं, आगे से लिफ्ट कर लेंगे, ऑप्शन है ना अवेलेबल। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ भाई इस बॉक्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप बोलेंगे इस बॉक्स को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, यही है ना। अगर मैं कहूँ आपकी जगह कोई छोटा बच्चा है और वो ये बॉक्स मूव कर दे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बच्चा बॉक्स मूव नहीं कर पाएगा, क्यों, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो किसी चीज़ की पोजीशन को चेंज कर सके। भाई अगर कोई हमें बोलेगा कि ट्रक को हिलाओ तो दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस, व्हाई, वी डोंट हैव दैट मच सफिशिएंट एनर्जी कि हम ट्रक को मूव करवा सकें, सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, पोजीशन चेंज कैसे भी हो सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। ओके गॉट इट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। वो एनर्जी जो कि पोजीशन चेंज करने के लिए चाहिए, कम से कम एनर्जी जो कि पोजीशन चेंज करने के लिए चाहिए चाहे किसी भी तरीके से चेंज हो, उस एनर्जी को आम अल्फाज में कहते हैं वर्क। वर्क वर्क वो एनर्जी है जो कि पोजीशन चेंज करवाने के लिए चाहिए, राइट। वर्क वो एनर्जी है जो पोजीशन चेंज कराने के लिए चाहिए। चलो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, हाउ डू वी डिफाइन वर्क, द एनर्जी, राइट इट डाउन प्लीज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ पाथ, रिगार्डलेस ऑफ पाथ इज नोन एज, इज नोन एज वर्क। अब मैं कहूँ कि भाई इस पेन को देखो, ये पेन नीचे आया है, पेन की पोजीशन चेंज हुई है, किसने चेंज करवाई है, ऑब्वियसली ग्रेविटी ने, ऑब्वियसली ग्रेविटी ने एनर्जी दी है पेन को कि वो अपनी पोजीशन चेंज करे, ये काम नेचुरली हुआ है, कुदरत के हिसाब से हुआ है, ऐसे ही हुआ है ना, कुदरत के हिसाब से हुआ है, कुदरत ने करवाया है, कुदरती तौर पर हुआ है। अच्छा कुदरती तौर पे और क्या क्या हो सकता है, अगर कोई प्लस चार्ज है तो वो किसी और प्लस चार्ज को अपने पास आने नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, वो उसको धक्का देगा, रिपेल करेगा, अगर रिपेल करेगा तो हो सकता है ये आगे चला जाए, हो सकता है ये पीछे आ जाए, नेचुरली हो रहा है, क्या हो रहा है, नेचुरली कुदरत करवा रही है। अगर कोई आयरन के चंक्स हैं और उनके सामने मैं कोई मैग्नेट रख दूं तो ये आयरन के चंक्स नेचुरली उनकी तरफ जाएंगे, नेचर इन्वॉल्व हो गई है पोजीशन को चेंज करवाने में, कोई भी पोजीशन में चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है, नेचर खुद करवा रही है। अच्छा चलो अगर इसकी जगह एक प्लस और एक माइनस की मिसाल लें तो, एक प्लस और एक माइनस की मिसाल ले लें तो क्या होगा, आप कहोगे नेचुरली ये माइनस अट्रैक्ट होगा, वो पोजीशन में चेंज जो नेचुरली होता है उसके लिए जो कुदरत एनर्जी देती है उसको कहते हैं प्लस W, क्या कहते हैं, प्लस वर्क डन,
वर्कडन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी कुदरत ने दी है और नेचुरली पोजीशन चेंज हुई है। सही है, सही है। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या हो सकता है नेचर के अगेंस्ट? वो क्या है भाई, ये पेन को ग्रेविटी मुसलसल खींच रही है लेकिन मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको लेके जा रहा हूँ। एक रबड़ है वो ज़बरदस्ती स्ट्रेच करे जा रहा हूँ, वो तो नहीं होना चाहता। क्या रबड़ स्ट्रेच होना चाहता है? नहीं, लेकिन मैं रबड़ की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। पॉसिबल है ना कि ये प्लस W की वजह से ये चार्ज आगे चला जाए, तो मैं एनर्जी दूँ तो ये पीछे आ जाए। अब ये आना नहीं चाहता पीछे, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती पीछे ले आया, तो मैंने कुदरत की मुखालिफत में कुछ किया, कुछ ऐसी एनर्जी दी जो कि नेचर के अगेंस्ट थी। इसको कहते हैं -W, नेगेटिव वर्क डन। क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क डन। बेसिकली वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दिस इज F.D, और इसको हम लिखते हैं FD cos थीटा। ऐसे लिखते हैं ना, तो थीटा अगर 0 है तो वर्क पॉजिटिव होगा, थीटा अगर 180 है तो कॉस 180 मीन -1, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क कितने टाइप के होते हैं? दो, एक होता है +W, एक होता है -W। +W वो वर्क है जो कैसा है, जो ड्यू टू नेचर है। और -W कौन है? -W वो वर्क है जो के कौन है? ओके, +W मीन्स ड्यू टू नेचर, चेंज इन पोजिशन ड्यू टू नेचर। -W मीन्स चेंज इन पोजिशन अगेंस्ट द नेचर। अच्छा कोई और एग्जाम्पल बताएं। जब हम रॉकेट को मूव करवाते हैं, आर वी डूइंग प्लस वर्क और माइनस वर्क? माइनस वर्क। आर वी डूइंग प्लस वर्क और माइनस वर्क? माइनस वर्क, नेगेटिव वर्क डन। सो नेगेटिव वर्क डन है, इसका बेसिक मतलब है कि आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अल्लाह ताला ने कहा है हर चीज़ जैसी मैंने बनाई है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही चलेगी। ऐसा ही है ना? देखो और से देखो, मैं इसको नेचर के अगेंस्ट लेके गया, एनर्जी दी, एनर्जी देना बंद कर दी। अब क्या होगा? नेचर इसको वापस इसकी जगह पे ले आएगी। जब हम नेगेटिव वर्क डन करते हैं तो नेगेटिव वर्क डन यहाँ कैसे होगा भाई? प्लस प्लस से दूर जाना चाहता है, मैं प्लस को प्लस के करीब ले आऊँ, यहाँ कैसे होगा? माइनस प्लस के करीब आना चाहता है, मैं माइनस को प्लस से दूर ले जाऊँ, तो नेगेटिव वर्क डन है ना भाई। ये नेगेटिव वर्क डन होगा या नहीं होगा? यहाँ नेगेटिव वर्क डन करीब आने पर हो रहा है, वहाँ नेगेटिव वर्क डन दूर जाने पर हो रहा है। नॉर्मली यहाँ नेगेटिव वर्क डन दूर जाने पर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये नेगेटिव वर्क डन जब होगा, आपने क्या किया है? कुछ ना कुछ क्या किया है, पोजीशन चेंज क्या की है? नेचर के अगेंस्ट। तो नेचर अपनी जगह पे चीज़ों को वापस लेकर आती है। अगर हम रबड़ को खींचेंगे छोड़ेंगे, रबड़ वापस आएगा। स्प्रिंग को खींचेंगे छोड़ेंगे, स्प्रिंग वापस आएगा। चार्ज को दूर लेके जा रहे हैं, छोड़ेंगे वापस आएगा। करीब लेकर आ रहे हैं, दूर फेंकेगा उसको। नेगेटिव वर्क डन जब होता है तो कुदरत एक एनर्जी ऐसी रखती है जिससे चीज़ें वापस आ जाएं। वापस आ जाए। अच्छा
अब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव वर्क डन जो हो रहा है इसके पीछे कौन है? जैसे ये होना शुरू होगा कोई एनर्जी अल्लाह ने ऐसी रखी है जो कि उसको वापस उसकी जगह पे लेकर आएगी। जितना नेगेटिव वर्क डन करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी उसको वापस लाने पे तुल जाएगी। वो एनर्जी क्या कर रही है? चीज़ों को वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आ रही है। उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, मोशन में है तो काइनेटिक, मोशन में नहीं है तो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तभी होगी जब नेगेटिव वर्क डन होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेट तभी होगी जब नेगेटिव वर्क डन होगा। जब तक नेगेटिव वर्क डन नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी। अब अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये कहाँ पड़ी है? ये पड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच, पढ़ी है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। बेसिक फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, बेसिक फार्मूला है एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है भाई? ये पोटेंशियल एनर्जी भी तो है ना, यहाँ भी तो नेगेटिव वर्क डन हुआ है ना, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को जो डिस्टर्ब हुई हैं उनको वापस अपनी जगह पर ले आए। वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसका बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला यही है कि नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए। अब नेगेटिव वर्क डन यहाँ क्या है समझा दिया मैंने कि भाई ये माइनस और प्लस एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं लेकिन ज़बरदस्ती दूर ले जाया जाए। ये प्लस और प्लस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती इनको करीब कर दिया जाए, ये नेगेटिव वर्क डन है। तो जैसे ही नेगेटिव वर्क डन करेंगे कुदरत एक एनर्जी एक्टिवेट करेगी जो कि चीज़ों को वापस उनकी जगह पर ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आएगी। उस एनर्जी का काम ही यही है कि चीज़ों को रीस्टोर करे, वापस उनकी जगह पर लेकर आए। उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक काम है, इसमें और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये कि पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेट तभी होती है जब नेगेटिव वर्क डन हो, और इसका बेसिक काम ये है कि चीज़ों को वापस उनकी जगह पर लेकर आए। कौन? पोटेंशियल। वो जो रबर के अंदर है उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीन टाइप्स पढ़ा दी मैंने, बेसिकली मैंने अभी यहाँ चार टॉपिक्स कवर करवाए। एक वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कब एक्टिवेट होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रिकल। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके गुड, चलो अब आगे चलें। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक काम है चीज़ों को वापस उसकी जगह पर लेकर आना। झूला देखा है? झूला, स्विंग। ये बच्चा आया मीन पोजीशन से आगे निकल गया, कौन लेकर आ रहा है इसको वापस? पोटेंशियल एनर्जी। पेंडुलम को भी पोटेंशियल एनर्जी ही लाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? जितना वर्क डन करेंगे नेगेटिव उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिंपल खाता है, क्लियर? अच्छा ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं। इस पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ताल्लुक है? दिस इज द फोर्थ मेथड, फील बाय फोर्स, फील बाय फ्लक्स, फील बाय गॉस लॉ, और अब चौथा कर रहे हैं फील बाय पोटेंशियल। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
ओके चलो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी की। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। द पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करें? द एनर्जी विच रीस्टोर्स, विच रीस्टोर्स एन ऑब्जेक्ट एंड विच रीस्टोर्स एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन, चेंजेस इट्स पोजिशन अगेंस्ट द नेचर इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। फोर्स चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप भी चेंज होगी। फोर्स ग्रेविटेशनल है तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल हो जाएगी। फोर्स इलास्टिक है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इलास्टिक हो जाएगी। फोर्स इलेक्ट्रिक है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रिक हो जाएगी। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा चलो आगे चलें। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फील्ड बाय पोटेंशियल। ठीक है, गौर से देखना जरा पेन के साथ क्या हुआ है। पेन वेलोसिटी से जा रहा था, एकदम पेन ने अपनी वेलोसिटी चेंज की है, क्या प्रोड्यूस हुआ है पेन में? एक्सेलरेशन। आप बाइक पे जा रहे हैं, एकदम एक्सेलरेटर क्या देंगे तो क्या लगेगा आपको? झटका लगेगा एक छोटा सा। एकदम ब्रेक मारेंगे तो क्या लगेगा? झटका लगेगा। क्यों? ये तो आपने वेलोसिटी इंक्रीज़ की है या फिर वेलोसिटी एकदम डिक्रीज़ की है। राइट कॉन्सेप्ट याद रखना, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? झटका जो मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये एक चार्ज है तो ऑब्वियसली इस चार्ज के पास कोई ना कोई इसकी अपनी क्या होगी? फील्ड होगी ना। मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, ओके बेटा, तो इसके पास भी कोई ना कोई इसकी अपनी फील्ड होगी। सी व्हाट इज हैपनिंग। मैं क्या करता हूँ, नेचुरली इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है नेचुरली एक दूसरे को इन्होंने करना है रिपल्शन करनी है, दूर जाना है एक दूसरे से। दे वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम वन अनदर, सही है ना? क्या ये कह सकता हूं कि इसकी फील्ड के अंदर ये मौजूद है या इसकी फील्ड के अंदर ये मौजूद है? ऑब्वियसली आई कैन से। क्यों? क्योंकि फील्ड कभी भी ख़त्म नहीं होती, इट गोज बियॉन्ड, है ना? इट गोज बियॉन्ड। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर मौजूद है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, ये कहना गलत नहीं होगा। भाई मुझे अल्लाह ने मास दिया तो मेरे पास भी तो ग्रेविटी है, आपके पास भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के पास थोड़ी है, ग्रेविटी तो हर उस चीज़ के पास है जिसके पास मास है ना। मेरे पास भी फील्ड है, अर्थ के पास भी फील्ड है, लेकिन ताकतवर तगड़ी फील्ड किसकी है? अर्थ की है। मैं खुद किसकी फील्ड में मौजूद हूँ? अर्थ की। अर्थ किसकी फील्ड में मौजूद है? मेरी।
मेरी फील्ड कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की फील्ड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? हम दोनों एक दूसरे की फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो ये कहना गलत नहीं है कि ये इसकी फील्ड के अंदर मौजूद है और ये इसकी फील्ड के अंदर मौजूद है। ओके अच्छा, अब क्या करें? व्हाट शुड वी डू? प्लस डब्ल्यू क्या होगा? मैंने अभी बताया क्या होगा प्लस डब्ल्यू? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। माइनस डब्ल्यू क्या होगा भाई? माइनस डब्ल्यू ये होगा कि मैं ज़बरदस्ती इस चार्ज को यहाँ तक ले आऊँ। तो अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो मैंने जब Q2 और Q1 दूर जाएंगे तो ये प्लस W होगा, लेकिन Q2 अगर करीब आ गया तो ये क्या होगा? माइनस W। अब पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेट होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेट होनी चाहिए। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स है ना? कौन सी फोर्स है? कूलम फोर्स। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या है? माइनस डब्ल्यू। वर्क डन का बेसिक फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा चलो, मैं कहता हूँ भाई ये यहाँ तक मौजूद है और यहाँ तक मौजूद है, सही है? सही है, गौर से समझो। मैं कह रहा हूँ कि Q2 पहले जहाँ तक मौजूद था वो था डिस्टेंस R2। Q2 को मैं जहाँ तक लेकर आया वो है डिस्टेंस R1। Q2 कितना चला है? आप कहोगे R2 में से R1 को माइनस कर दें, इतना ही Q2 चला है ना, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, राइट? तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आना चाहिए? जितना डिस्प्लेसमेंट मैंने करवाया है यही आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए? यही आना चाहिए। अच्छा ठीक है, फोर्स कितनी लगाइए? फोर्स लगाइए के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा आर इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। अच्छा सही है, और भी कुछ हो सकता है? कुछ और हो सकता है? चलो ये Q1 और Q2 सपोज कर लेते हैं कि सेम है, बराबर चार्ज हैं, हो सकता है ना? तो मैं इसको कैसे लिखूँ? मैं इसको लिखूँगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ऐसा ही है ना? नेगेटिव साइन चल रहा है, नेगेटिव साइन साथ साथ चल रहा है, नेगेटिव साइन कहीं नहीं जा रहा। हाउ डू वी डिफाइन डेल्टा आर? आर टू माइनस R1। चलो यहाँ पुटअप कर दूँ, अगर R2 माइनस R1 तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। R2 माइनस R1 क्या चीज़ है? कोई डिस्टेंस है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है? कोई डिस्प्लेसमेंट है ना। गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये बीच में कहाँ तक पहुँचा है, हो सकता है R1 के करीब हो सकता है R2 के करीब हो सकता है Q1 के करीब हो, मुझे नहीं पता। जब पता ना हो कि ये इन दो पॉइंट्स के बीच में कहाँ पर है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? मीन। कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये जो दो डिस्टेंसेज हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं मौजूद है, तो दोनों डिस्टेंसेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर दें, तो आर स्क्वायर बनेगा आर वन इंटू आर टू, वेयर आर स्क्वायर इज द मीन डिस्टेंस। समझ में आ गया? मीन डिस्टेंस कैसे निकलेगा? दोनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करके। तो वो यहाँ पुट अप कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस के
क्यू स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आना चाहिए, आर वन आर टू, ऊपर क्या आना चाहिए, आर टू माइनस आर वन, सही है। ये आर वन आर टू यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड करवा दूँ अगर तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लाइक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, राइट। एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, कर दें एलसीएम ब्रेक, तो ये बन जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, आर टू से आर टू कैंसिल, आर वन से आर वन कैंसिल, क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपने निकाली है वो आ रही है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, ओ नहीं, इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, सही है। ये डेरिवेशन जो रिड्यूस कोर्स है उसमें स्किप्ड है, लेकिन मैंने करवाई है, किसी वजह से करवाई है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देना है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये मैं आसानी से भी जा सकता था, लेकिन किसी वजह से समझाया है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी और पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज का क्या ताल्लुक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई होगी वो कुछ और होगी, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई होगी वो कुछ और होगी। भाई ये ऐसा ही है ना कि मैं इसको यहाँ तक मूव करूँ तो अब जो इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रही है वो कुछ और है, मैं इसको यहाँ तक मूव करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो अब दे रही है अर्थ वो कुछ और है। पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आ रहा है, फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के सप्लाई होने में फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क कितना आ रहा है वो आप मालूम कर लें। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहलाएगा भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझो बात को, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है अर्थ की ग्रेविटी में, इसको आप यहाँ तक लाओ अर्थ इसको पोटेंशियल एनर्जी कुछ देगी, अर्थ की ग्रेविटी में आप इसको यहाँ तक लाओ पोटेंशियल एनर्जी कुछ देगी, कहाँ ज़्यादा देगी, यहाँ, यहाँ कम, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो फ़र्क है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, वो ये इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की ये इक्वेशन है। अब अगर मैं कहता हूँ भाई आर वन मेरा इन्फिनिट पॉइंट पे था, पता नहीं कहाँ था, वहाँ से मैं आर टू तक लेकर आया, तो यहाँ आर वन क्या पुटअप करना चाहिए, वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जो कि उस पॉइंट पर उसको सप्लाई की जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी फील्ड में एक ही पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सप्लाई करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। यहाँ R2 को मैंने R1 को जो है वो नो सॉरी R2 को जो है क्या ले लिया है, R1 को मैंने इन्फिनिट लिया है कि इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, तो ये वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो गया, R2 को R कंसीडर कर लिया, भाई ये यूँ भी तो हो सकता है ना, दिस इज़ द डिस्टेंस, बस। क्यों बताया ये सारा, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक है, मेन चीज़ क्या समझानी थी कि पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आएगा पोजीशन के चेंज की वजह से,
एक रूल है अल्लाह ताला का, उसको याद रखें। मैंने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, है ना, यही कहा है ना, मैंने यही कहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी नेचर के अगेंस्ट जो भी होगा तभी मिलेगी, एक्टिवेट होगी। इस पेन को पोटेंशियल एनर्जी किसने दी, कि किसके अगेंस्ट जा रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कौन दे रहा है, अर्थ ही देगी। जो जिसके अगेंस्ट जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी वो ही सप्लाई करेगा, ये रूल है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, यानी मैं अगर आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ नेचुरली, तो पोटेंशियल एनर्जी देना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, कुदरत ने ये रखा है। अल्लाह ताला ने क्या रूल रखा है कि जो भी नेचर के अगेंस्ट जाएगा तो जिसके अगेंस्ट वो जा रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी भी वही देगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, वो ग्रेविटेशनल हो, वो इलास्टिक हो, जो भी हो। यहाँ तक समझ में आ गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस समझ में आ गया कि फील्ड के अंदर पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी सप्लाई नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई एक जैसी नहीं होती। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन, ओके, ये रब कर दूँ, ये रब कर दूँ, एक मिनट पॉज करें बेटा। ओके, तो इसको फ़िलहाल यहीं तक ही रखते हैं हम, कल इसको इंशाल्लाह जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे और कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर, ठीक है, फिर फील्ड बाय पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।